हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभिक में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है, जिसका डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ग्रुप डी के पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है हरियाणा पुलिस की तरफ से। तो दोस्तों, क्या क्या पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों, पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन शुरू होगा 22 मार्च 2019 और लास्ट डेट इसका रहेगा 22 अप्रैल 2019। जिसके साथ साथ एप्लीकेशन फीस यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप डी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़, फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ फॉर एनी अदर स्टेट ऑफ इंडिया, एंड हरियाणा स्टेट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़ एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। कैटेगरी जो है यहाँ पे ग्रुप डी के कैटेगरी के अंदर यहाँ पे जनरल के लिए 160 वैकेंसी है, एससी के लिए 38, बीसी ए के लिए 30, बीसी बी के लिए 21 एंड टोटल वैकेंसी जो है 249। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 10th पास। तो दोस्तों, जो यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन दिया है 10th पास, तो दोस्तों जो लोग 10th पास है वो लोग इजीली यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। इसके साथ साथ एज लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है, मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे है 18 and 42 ईयर्स। तो दोस्तों, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 42 ईयर्स। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एज लिमिट के ड्यूरेशन कर दिया गया है जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते। एप्लीकेशन करने के लिए आपको ऑनलाइन में जाके एप्लीकेशन करना होगा। एप्लीकेशन के लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके एप्लीकेशन कर सकते। तो इसके साथ साथ आप लोगों को बता देता हूँ, एप्लीकेशन के जो लिंक है वो 22 मार्च 2019 एक्टिवेट होगा, जिसके लिए आपको वेट करना होगा। तो दोस्तों, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग 22 मार्च 2019 में जाके एप्लीकेशन कर सकते। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसके साथ साथ कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।